हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू इंस्पायर एकेडमी बालाघाट। आई एम मांगी लहांगडाले। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपने देखा ही, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट कर चुका है। स्मॉल इंटेस्टाइन तक जो डाइजेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडेनम तक, उसको हमने कंप्लीट किया है बेटा। और आज हम लोग देखने वाले हैं, डाइजेशन के बाद हमारी थर्ड स्टेप है क्या, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है और किस मेथड से होता है, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। और इसके साथ साथ में ही क्या पढ़ने वाले हैं, हार्मोनल कंट्रोल। किसके ऊपर? डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर जो हार्मोनल कंट्रोल होता है बेटा, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। चूँकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारी ग्लैंड काम करती हैं, ठीक है, बहुत सारे ग्लैंड काम करती हैं, चाहे वो एंडोक्राइन ग्लैंड हो, चाहे वो एक्सोक्राइन ग्लैंड हो। तो ये जो ग्लैंड कंट्रोल कर रही हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, या फिर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट कर रही हैं, तो इनके ऊपर जो हार्मोनल कंट्रोल होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है बच्चा, तो आपको क्या करना है, लास्ट लेक्चर जाके जरूर देखना है, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होते हुए चले, ठीक है। और आज के लेक्चर को भी अच्छे से देखना है, नोट्स बनाते हुए चलना है, अच्छे से नोट्स बनाना है, जिससे कि आप एग्जाम के पहले अगर इसका एक बार रिवाइज करें तो आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए कि इसका इस तरीके से आंसर हमको देना है। क्लियर है बच्चा? तो आई होप कि आप सभी रेडी होंगे आज की क्लास को लेने के लिए, बिल्कुल, ठीक है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। और क्लास का टॉपिक क्या है आज का? एब्जॉर्प्शन। क्या है बेटा आज की क्लास का टॉपिक? है हमारा एब्जॉर्प्शन। ओके, चलिए फिर। एब्जॉर्प्शन के पहले हम लोगों को देखना है क्या का, इसका एंटेरो एंडोक्राइन ग्लैंड। एंटेरो एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब क्या हुआ? हार्मोनल कंट्रोल। क्या है? हार्मोनल कंट्रोल देखने वाले हैं। क्या? हार्मोनल कंट्रोल इन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या पढ़ने वाले हैं? हार्मोनल कंट्रोल इन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। क्या आपको क्लियर हो पा रहा है? अगर क्लियर दिख रहा है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं ना। चलिए अब बात करते हैं हम कि इसमें जो ग्लैंड्स होती हैं, कौन सी ग्लैंड आपके एंडोक्राइन पार्ट के रूप में काम करती हैं, या एंटेरो एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करती हैं। तो आप देख पा रहे हैं, आपके सामने दिखा एक टेबल बनी हुई है, जिसमें सेल सोर्स और सिक्रेशन, मतलब कि ये कहाँ पर होती हैं और इसका सिक्रेशन क्या होता है। सेकेंड, ये जो हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं, इनका एक्शन साइट क्या है, मतलब कहाँ जाके ये क्रिया करते हैं और ये क्या एक्शन करते हैं, इसकी आपके सामने टेबल बनी हुई है, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं सेल की बेटा। तो सेल कौन सी होती है? जी सेल होती है, एस सेल होती है, सीसी के सेल और के सेल। जी सेल जो होती है वो कहाँ होती है? तो बेटा ये स्टमक में प्रेजेंट होती है। जी सेल कहाँ प्रेजेंट होती है? जी सेल प्रेजेंट होती है स्टमक में, और ये गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करेगी बच्चा? गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। और ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है, ये गैस्ट्रिन हार्मोन किस पे एक्शन साइट इसकी क्या होगी? स्टमक होगी। स्टमक में क्या करता है? जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसके सिक्रेशन को बढ़ाता है। किसके सिक्रेशन को? गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को बढ़ाता है। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है वो क्या कर रही थी? गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन कर रही थी, है ना। तो गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को बढ़ाने का काम करता है कौन बच्चा? कौन? आपका गैस्ट्रिन हार्मोन, ठीक है। तो गैस्ट्रिन हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है? जी सेल से। जी सेल कहाँ प्रेजेंट होती है? स्टमक में। इस गैस्ट्रिन हार्मोन का एक्शन साइट क्या है? स्टमक। और ये क्या काम करती हैं? गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को बढ़ाती हैं, ठीक है। इसके बाद है आपके सामने एस सेल। एस सेल कहाँ प्रेजेंट होती है? तो आपको याद रखना है ये कहाँ प्रेजेंट होती है? डियोडेनम में प्रेजेंट होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है जिसका नाम क्या है? डियोडेनम। तो डियोडेनम में प्रेजेंट होती है कौन सी ग्लैंड बच्चा? एस ग्लैंड, सॉरी एस सेल। और इसका ये किसका सिक्रेशन करती है? सिक्रेटिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। किसका? सिक्रेटिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? डियोडेनम में। इसका एक्शन साइट क्या है? जो सिक्रेटिन हार्मोन होता है वो डियोडेनम में प्रेजेंट एस सेल के द्वारा सिक्रेट तो होता है, लेकिन ये पेंक्रियास में जाके अपना एक्शन दिखाता है, मतलब पेंक्रियास में जाएगा और वहां पर अपना क्या करने वाला है? वर्क करने वाला है ना। तो
तो पेंक्रियास में जाकर क्या करेगा, बाइकार्बोनेट आयन के सिक्रेशन को बढ़ाएगा। यही बाइकार्बोनेट आयन है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करता है, म्यूकस के साथ मिलकर नेचर को, किसके, फूड के नेचर को बेसिक बनाने का काम करता है। ठीक है, क्लियर हुआ। इसके बाद में हमारा थर्ड सेल है बेटा सीसी के सेल। सीसी के सेल प्रेजेंट होता है डियोडेनम में और ये किस हार्मोन का सिक्रेशन करता है, कोलीसिस्टोकाइनिन। किसका, कोलीसिस्टोकाइनिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। इसका एक्शन साइट क्या है, पेंक्रियास और गाल ब्लडर। ठीक है, क्या है, पेंक्रियास और गाल ब्लडर। पेंक्रियास में जाके क्या करेगा, एंजाइम के सिक्रेशन को बढ़ाएगा, गाल ब्लडर में जाके बाइल जूस के सिक्रेशन को बढ़ाता है। क्लियर हुआ। इसके बाद में फोर्थ सेल है के सेल, जो जीआईपी हार्मोन का सिक्रेशन करती है, होती कहाँ है, डियोडेनम में। जीआईपी है गैस्ट्रिक इनहिबिटिंग पेप्टाइड, मतलब जो जी सेल के द्वारा गैस्ट्रिक हार्मोन सिक्रेट हो रहा था, जो गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को बढ़ा रहा था, यहां पर जीआईपी हार्मोन क्या करेगा, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को कम करेगा। अगर मान लो आपके स्टमक में डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, डाइजेशन के बाद में वो कहां पर आ गया बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होगा, जीआईवी हार्मोन सिक्रेट होगा और स्टमक में जाके क्या काम करेगा, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को कम कर देगा। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से क्या करते हैं, ये हार्मोन काम करते हैं। तो ये हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम में हार्मोनल कंट्रोल। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा याद रखना है, जो जी सेल होता है वो कहाँ है, स्टमक में प्रेजेंट होता है। बाकी सारी की सारी सेल कहाँ है, डियोडेना में प्रेजेंट होती है। इनके नाम से ही याद रखना है, एस सेल है मतलब सिक्रेटिन, सीसी के सेल है मतलब कोलीसिस्टोकाइनिन, बस के सेल के लिए याद रखना है जीआईपी हार्मोन। ठीक है, जैसा इसका नाम है वैसे ही उनकी एक्शन साइट है और वो जिस काम को कर रही है उसको याद रखना है। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है क्या, एब्जॉर्प्शन। क्या नाम है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, चलिए तो ये बात करते हैं हम किसके बारे में, एब्जॉर्प्शन के बारे में। एब्जॉर्प्शन, या इसी को बोला जाता है अवशोषण। अवशोषण, ठीक है बेटा, अवशोषण की बात हो रही है। तो अवशोषण में आपको एक बात याद रखना होगा कि जो अवशोषण होता है कहाँ कहाँ होता है। अवशोषण, अवशोषण, अवशोषण स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के डियोडेनम से स्टार्ट होकर, स्टार्ट होकर कहाँ तक, लार्ज इंटेस्टाइन के, इंटेस्टाइन के, लार्ज इंटेस्टाइन के कॉलोन तक, कॉलोन तक होता है। ठीक है, कहाँ तक, लार्ज इंटेस्टाइन के कॉलोन तक, स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडेनम ने, सॉरी, डियोडेनम ने, डियोडेनम में क्या होता है, डाइजेशन, जुजेनम, किससे, जुजेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन के जुजेनम से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन के कॉलोन तक होता है। इसके अलावा बेटा, इसके अलावा डाइजेशन कहाँ कहाँ होता है पूरा याद रखना है आपको, डाइजेशन कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। तो डाइजेशन कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा आपको, माउथ केविटी में। माउथ केविटी में भी क्या होता है बेटा, एब्जॉर्प्शन होता है, सॉरी, क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ होगा, माउथ केविटी में भी एब्जॉर्प्शन होगा। माउथ केविटी के बाद में स्टमक में भी एब्जॉर्प्शन होगा, किसमें, स्टमक में भी एब्जॉर्प्शन होगा। स्टमक के बाद में आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगा और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में कॉलोन में एब्जॉर्प्शन होगा। कहाँ, कॉलोन में एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो ये चार जगह है जहां पर एब्जॉर्प्शन
होता है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होने वाला है बेटा? सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, माउथ की, किसकी बात कर रहे हैं हम, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, माउथ की बेटा, तो माउथ में किसका एब्जॉर्प्शन होता है, यहीं पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। माउथ में एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग्स, और ड्रग्स सॉरी ड्रग्स जो जीभ के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं, किसके द्वारा, जीभ द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं। स्टमक में किसका एब्जॉर्प्शन होता है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन, यहाँ लिख दे रहे हैं ड्रग का एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है। स्टमक में किसका एब्जॉर्प्शन होता है, एल्कोहल, इस कुछ मात्रा में, ठीक है, एल्कोहल, और किसका होता है, कुछ मात्रा में वाटर, कुछ मात्रा में वाटर, और क्या हो जाएगा, कुछ मात्रा में जो होती है सिंपल शुगर, सिंपल शुगर, ठीक है। ये चीजें याद रखना है आपको। सबसे पहली चीज कि माउथ कैविटी में किसका, ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है जो जीभ के द्वारा होता है, स्टमक में एल्कोहल वाटर और सिंपल शुगर का एब्जॉर्प्शन होता है। अब बात कर रहे हैं किसकी, अब बात कर रहे हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा किसका किसका एब्जॉर्प्शन होता है, तो ग्लूकोस, ग्लूकोस, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड के बाद में फ्रक्टोस, फ्रक्टोस, फ्रक्टोस के बाद में आ जाएगा आपका क्या, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन। इन सभी का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, किसका, फैटी एसिड, फैटी एसिड, और किसका, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, इसका भी एब्जॉर्प्शन होगा कहाँ पर, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, लार्ज इंटेस्टाइन की, तो लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होने वाला है बच्चा किसका, वाटर का। लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है किसका, वाटर का। वाटर के बाद में इसमें एब्जॉर्प्शन होगा किसका, ड्रग का। जितनी भी ड्रग्स होती हैं कुछ मात्रा में ही आपके जीभ के द्वारा एब्जॉर्प्शन किया जाता है। सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन के कॉलन में, ये बस कुछ मात्रा में, थोड़ी थोड़ी मात्रा में एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। और क्या, मिनरल्स, और किसका एब्जॉर्प्शन होता है, मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है कहां पर, वाटर, ड्रग और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होगा कहां पर, कोलॉन में, ठीक है। इतना जो आपका थोड़ा सा सारांश था एब्जॉर्प्शन का, ये यहाँ पर हमने देखा है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन होता कहाँ से, शुरुआत होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के जुजेनम से, कोलोन तक जाता है, लेकिन इससे पहले भी माउथ कैविटी में कुछ पार्ट और स्टमक में भी कुछ पार्ट क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। और इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में, कोलोन में इन पदार्थों का एब्जॉर्प्शन होना है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस, जो सबसे ज्यादा होती है कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो चलिए स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस देखते हैं। एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन किसमें देख लेते हैं, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन की प्रोसेस हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन की बात कर रहे हैं बेटा हम, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है क्या होती है, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है कैसी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ इस तरीके से एक पाइप होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है, थोड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ ऐसा पाइप होता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। और इसमें अंदर की तरफ क्या होती है बेटा, इसमें अंदर की तरफ होती है एक म्यूकोसा जो कुछ इस तरीके से फोल्ड होती है, ठीक है, इस तरीके से कैसी होती है, ये फोल्ड होती है, म्यूकोसा फोल्ड होती है ऐसी,
इस तरीके से। फोल्ड क्यों हो रही है? क्योंकि इसको क्या करना है, सरफेस एरिया को बढ़ाना है। फोल्ड क्यों हो रही है? क्योंकि इसको बढ़ाना है किसको, सरफेस एरिया को। ठीक है, ये है सबम्यूकोसा वाला पार्ट, सबम्यूकोसा वाला पार्ट। ठीक है, यहीं पर तो क्या पाई जाती है, ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती है। ठीक, तो ये क्या है, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है बेटा विलाई। क्या बोला जाता है, विलाई। ठीक है, और इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, छोटे से ऐसे छोटे छोटे से, और इसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए क्या पाए जाते हैं, और भी माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस संरचना को बोला जाता है क्या, माइक्रो विलाई। क्या बोला जाएगा, माइक्रो विलाई बोला जाता है। तो विलाई पाई जाती है, माइक्रो विलाई पाई जाती है। अब इसके बाद में इसमें क्या पाई जाती है, यहां पर कुछ ग्लैंड से देखने को मिलती है, उसको बोला जाता है क्या, क्रिप्ट ऑफ लिवर कुहन, हमने देखा था। क्या बोला जाता है, क्रिप्ट ऑफ लिवर कुहन। ठीक है, क्रिप्ट ऑफ लिवर कुहन होती है, म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है। तो कुछ इस तरीके की संरचना होती है किसकी, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो आपका जो फूड होता है, जब फूड क्या होता है, यहां से जाता है, जब फूड यहां से कौन से मोशन के द्वारा, पेरिस्टलाइसिस, कौन से मोशन के द्वारा, पेरिस्टलाइसिस मोशन। जब पेरिस्टलाइसिस मोशन के द्वारा फूड आगे बढ़ते हुए चलता है बेटा, तो जब ये फूड आगे बढ़ते हुए चलेगा, ऐसे आगे बढ़ते हुए चलेगा, तो ये जो विलाई है, ये विलाई क्या करते हैं, फूड का एब्जॉर्प्शन करते हुए चलते हैं। ये विलाई क्या करेंगे, फूड का एब्जॉर्प्शन करते हुए चलेंगे। तो विलाई के अंदर फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, सारे विलाई में सेम फूड एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी, तो इनमें कैसी होती है फूड एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस, इसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। तो किसी एक विलाई के अंदर कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा साइड कर देते हैं, इसका काम अभी के लिए हो गया है। ठीक है, चलिए अब हम देख रहे हैं किसके बारे में, किसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, विलाई का। ठीक है, चलिए विलाई के एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, किस तरीके से विलाय का स्ट्रक्चर होता है। ये आपके सामने क्या है, विलाय है। ठीक है, क्या है, ये आपके सामने है विलाय। अब विलाय में क्या क्या चीजें होती है, विलाय के ऊपर क्या होंगे, विलाय के ऊपर होंगे माइक्रोविलाय, विलाई के ऊपर क्या होंगे, माइक्रो विलाई। तो चलिए माइक्रो विलाई बना लेते हैं। इसका सरफेस एरिया और भी अधिक बढ़ाने के लिए, जिससे जब फूड आगे बढ़े तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाए, एब्जॉर्प्शन कर पाए फूड का, इसके लिए इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं बच्चा, माइक्रो विलाई पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इसके ऊपर माइक्रो विलाई पाए जाते हैं। क्लियर है, चलिए एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, चलिए ये वाला कलर दे देते हैं। जिससे कि हमको आर्टरी और वीन समझने में तकलीफ ना हो, है ना। क्योंकि आर्टरी जो होती है उसमें ब्लड कैसा होता है, उसमें ब्लड होता है प्योर, जिसके कारण उसका रंग कैसा होता है, रेड कलर का। ठीक है, कैसा होता है, रेड। ठीक है, चलिए दिख पा रहा है, अब देखते हैं। अब क्या पाया जाता है, बीच में पाया जाता है लैक्टियल। तो बना लेते हैं हम क्या, लैक्टियल।
इस तरीके की क्या है इसमें, बीच में पाई जाती है क्या, लिम्फ वेसल्स। क्या पाई जाती है, लिम्फ वेसल्स पाई जाती है। बीच में क्या है, लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स के बाद में क्या है, लिम्फ वेसल्स के बाद में इसमें है आर्टरीज। इस तरीके से क्या है इसके पास में, आर्टरीज। ठीक है, आर्टरी के बाद में क्या होती है इनमें, विंस होती है। क्या होती है, विंस। तो विंस बना लेते हैं। विंस में कैसा कलर होता है बेटा, ब्लड का कैसा ब्लड बहता है विंस में, इम्प्योर ब्लड। तो इस तरीके से कुछ इम्प्योर ब्लड की वेसल्स होती हैं। ठीक है, चलिए दिख पा रहा है, ठीक दिख पा रहा है आपको। अब इनको ये क्या होती है, इनके ऊपर ठीक है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है आपके एक विलाई का स्ट्रक्चर। ठीक है, एक विलाई का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। और इसके नाम देख लेते हैं, अब हम इसके नाम देख लेते हैं। नाम ये क्या है बेटा, माइक्रो विलाई। क्या है ये, माइक्रो विलाई। माइक्रो विलाई, माइक्रो विलाई। ठीक है, ये क्या है, विलाई। विलाई, विलाई का क्या है, म्यूकोशा। क्या है ये, विलाई का म्यूकोशा है। ठीक है, म्यूकोशा के अंदर ये वाला पार्ट क्या है, लिम्फ वेसल। क्या है, लिम्फ वेसल। लिम्फ वेसल के बाद में ये क्या है, वेंस। ये क्या है, रेड कलर की जो दिखाई दे रही है, आर्टरी। आर्टरीज, ठीक है। यहां पर कुछ इस तरीके की जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये इसमें भरा होता है, लैक्टियल होती है। क्या होती है, लैक्टियल। ठीक है, क्या होता है यहां पर, लैक्टियल होता है। क्या होगा, लैक्टियल। ठीक है, क्या होगा, लैक्टियल कहते हैं। ठीक है, यही क्या पार्ट है, ये पार्ट जो है ये क्या कहला रहा है, लैक्टियल। ये लिम्फ वेसल के बीच में, ठीक है, लैक्टियल भरा होता है वाइट कलर का। इसको हम देख लेते हैं, बना लेते हैं अच्छे से। यहां पर क्या होता है, वाइट कलर का लैक्टियल भरा होता है। ठीक है, क्या होता है, लैक्टियल। ठीक है, लैक्टियल। अब क्या होगा, क्या होगा इसमें, अब्सॉर्प्शन कैसे होता है इसकी बात कर रहे हैं हम बेटा। जब क्या हो रहा है, फूड आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो माइक्रोविलाई
में क्या पाई जाती है? माइक्रोविलाई, ये एपिथीलियल की बनी होती है। कौन सी एपिथीलियल? कौन सी एपिथीलियल? जल्दी से याद करना है आपको, जल्दी से याद करना है, कौन सी एपिथीलियल? एपिथीलियल, एपिथीलियम। ये क्या है? एपिथीलियम है। क्या है? एपिथीलियम है। और ये एपिथीलियम जो है एब्जॉर्ब करती है किसको? ये एपिथीलियम एब्जॉर्ब करती है किसको? एब्जॉर्ब करेगी, ये एब्जॉर्ब करती है फूड को। अब फूड जब ये एब्जॉर्ब करेगी बेटा, तो ये माइक्रोविलाई से कहाँ जाएगा? विलाई में जाएगा, म्यूकोशा में जाएगा। माइक्रोविलाई से कहाँ जाएगा? म्यूकोशा में जाएगा। और म्यूकोशा से कहाँ चला जाएगा? ये ब्लड में जाएगा। कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा। इसको ये ब्लड सप्लाई कर रही है, इसको ये ब्लड, इसको विलाई को ब्लड सप्लाई कर रही है। और यहाँ से जो ब्लड हृदय तक जा रहा है, यहाँ से जो ब्लड हृदय तक आपके जा रहा है, वो जो ब्लड है, वही ब्लड क्या है? ये जो ब्लड जा रहा है, इसी ब्लड में क्या हो रहा है? इसी ब्लड में एब्जॉर्ब्ड फूड जो है वो भी जाता है। जब एब्जॉर्ब्ड फूड इसमें जा रहा है बेटा, तो ये एब्जॉर्ब होके कहाँ जाएगा? आपकी पूरी बॉडी में, हार्ट तक जाएगा ये पहले ब्लड। ये कहाँ जाएगा पहले? ये वाला ब्लड के पहले कहाँ जाएगा? वेंस के द्वारा ब्लड कहाँ जाएगा पहले? हार्ट में जाएगा। और हार्ट से पूरी बॉडी में फिर क्या हो जाएंगे? पंप होता है ब्लड। तो ये न्यूट्रिएंट्स भी उसी के साथ साथ में कैसे होते हैं? जाते हुए चलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है? कुछ फूड क्या होगा बेटा? ये लैक्टियल में, कुछ फूड क्या होता है? लिम्फ वेसल में प्रेजेंट, लैक्टियल में भी जमा होने लगता है कुछ फूड, ठीक है। तो कुछ फूड क्या होता है? यहाँ पर भी एब्जॉर्ब होने लगता है। इसके बाद ये कहाँ चला जाता है? ब्लड वेसल्स में चला जाता है। लेकिन कुछ फूड आपके लैक्टियल में भी एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से एब्जॉर्ब होता है। अब क्या होता है पता है? इसमें एक चीज और याद रखना है कि अगर हमको किसका किसका एब्जॉर्प्शन करना है, किसका एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में? ग्लूकोज, फ्रक्टोस, फ्रक्टोस, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, फैटी एसिड, फैटी एसिड के बाद सोडियम क्लोरीन आयन, ठीक है। तो लगभग इनका हमको क्या करना है? एब्जॉर्प्शन करना है। तो इनके एब्जॉर्प्शन के लिए अलग अलग मेथड होती है इनमें एब्जॉर्ब होने के लिए, ठीक है। अलग अलग तरीके से एब्जॉर्ब होता है। कुछ एब्जॉर्ब कैसे हो जाएगा? मान लो कि यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज है, तो सामान्य रूप से सीधे सीधे क्या हो जाएगा? ये अंदर एंटर कर जाएगा, क्योंकि ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बाहर है ग्लूकोज का किसकी अपेक्षा? ब्लड वेसल्स की अपेक्षा। तो क्या हो जाएगा? अब मान लो कि यहाँ पर ग्लूकोज पूरा पूरा 100% है, और यहाँ पर मान लो 70% ही है। तो यहाँ से ब्लड, सॉरी, ग्लूकोज यहाँ आएगा। आपको पता होना चाहिए कि चीजें क्या होती हैं, अधिक कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाती हैं। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन के बेस पर क्या हो रहा है? सांद्रता के बेस पर इनका अवशोषण हो रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इनमें से कुछ पदार्थ है, जैसे क्या है? फ्रक्टोज है। तो फ्रक्टोज की अगर हम बात करें बेटा, तो फ्रक्टोज क्या करता है? चूंकि फ्रक्टोज क्या होगा, वाटर में इजीली सॉल्यूबल नहीं हो पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? जो प्रोटीन पाथ होता है इनकी सेल्स के बीच में, वहां से चला जाएगा, वहां से अब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन फैट की बात करें, तो फैट इजीली अब्जॉर्ब नहीं होता, तो क्या होगा? ये कैसे हो जाएगा? ये मान लो कि एक आपका जो बाइल जूस था, बाइल जूस में क्या थे? बाइल सॉल्ट थे। उसको अपना सहारा बनाकर आगे बढ़ते हैं। तो अलग अलग पदार्थ क्या होते हैं? अलग अलग। जैसे सोडियम के एब्जॉर्प्शन के लिए, किसके लिए? सोडियम के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होता है? सोडियम के एब्जॉर्प्शन के लिए एनर्जी चाहिए होती है। सोडियम के एब्जॉर्प्शन के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो सोडियम इजीली आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा, जब तक उस पर ऊर्जा नहीं लगाई जाएगी, ठीक है बेटा। तो इन सभी पदार्थों के एब्जॉर्प्शन के लिए अलग अलग प्रोसेस होती है एब्जॉर्प्शन की। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पर अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि इनका एब्जॉर्प्शन कैसे कैसे होता है, ठीक है। लेकिन इनके एब्जॉर्प्शन की जो मेथड है, प्रोसेस है, वो अलग अलग होती है, ठीक है। लेकिन आएगा कहाँ पर? ब्लड वेसल्स या फिर लैक्टियल में ही आएगा। कहाँ आएगा? ब्लड वेसल्स या लैक्टियल में ही आएगा। बस प्रोसेस क्या हो जाएगी इनकी? अलग अलग हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से विलाई की संरचना होती है। और ये विलाई जो होगा, ये विलाई कैसा होगा? ये विलाई फूड का एब्जॉर्प्शन करेगा, और कहाँ डाल देगा? ब्लड में डालते हुए चलेगा, ठीक है। चलिए,
ठीक है, चलिए अब अगर इतना क्लियर हो गया होगा तो हम यहीं पर बात कर लेते हैं किसकी, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस की। किसकी बात कर रहे हैं हम, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस की बात कर रहे हैं बेटा, कि आपकी जो शरीर होता है, आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, उसमें पदार्थों का अवशोषण, जो डाइजेस्टेड फूड है उसका अवशोषण कैसे कैसे होता है, ठीक है, कैसे कैसे होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले इसमें क्या होगा, डाइजेस्टेड फूड कहाँ जाएगा, म्यूकोसा से होकर ब्लड वेसल्स या लिम्फ वेसल्स में जाता है, लिम्फ वेसल्स में जाता है, ठीक है। तो एब्जॉर्ब होगा फूड तो कहाँ होगा, सबसे पहले कहाँ होगा, म्यूकोसा में, ठीक है, कहाँ होगा, म्यूकोसा में सबसे पहले एब्जॉर्ब होगा, इसके बाद में फिर वो कहाँ जाएगा, ब्लड वेसल्स में जाएगा। इसकी प्रोसेस अलग अलग है, तो देख लेते हैं इसकी प्रोसेस। चलिए, फूड का एब्जॉर्प्शन तीन तरीके से होता है बेटा, फूड का एब्जॉर्प्शन कितने तरीके से होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन होता है तीन तरीके से, एक सेकेंड इसको थोड़ा हम छोटा बना लेते हैं। फूड का एब्जॉर्प्शन कितने तरीके से होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन होता है तीन तरीके से, ठीक है, चलो। और ये तीन तरीके कौन से हैं, सबसे पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या इसी को बोला जाता है क्या, सक्रिय परिवहन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होगा। दूसरा क्या है, निष्क्रिय परिवहन, सॉरी पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट या इसी को बोला जाएगा क्या, निष्क्रिय परिवहन। और तीसरा क्या है फैसिकुलेटेड, जिसका मतलब है सुसाध्य, किसके साथ, एक किसी साधन को मानकर, किसी एक साधन के द्वारा क्या होता है, इसका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। इसको थोड़ा हम और छोटा कर देंगे, नहीं ठीक है, थोड़ा कर देते ना, अब इसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें हम देखेंगे, सबसे पहली चीज तो इसमें एक चीज पता होना चाहिए कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए बेटा किसकी जरूरत होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए, इसके लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, इसके लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, ऊर्जा एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर इजीली क्या हो जाता है, फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और फैसिकुलेटेड में क्या होगा, फैसिकुलेटेड डिफ्यूजन में क्या होगा, प्रोटीन पाथ के द्वारा, किसके द्वारा, प्रोटीन पाथ के द्वारा पदार्थ क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। एब्जॉर्प्शन की तीन मेथड है, एक्टिव, पैसिव और फैसिकुलेटेड। इसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर होगा, जिसके अंतर्गत आता है क्या, सिंपल डिफ्यूजन, क्या आता है, सिंपल डिफ्यूजन,
सरल विषरण, ये क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट की एक मेथड है, ठीक है। चलिए इसके बाद में बात करते हैं बच्चा हम किसके बारे में, इसको हम थोड़ा अलग अलग कर देते हैं जिससे क्या हो जाए, समझने में आसानी हो, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं किसकी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट और आपका फेसिकुलेटेड ट्रांसपोर्ट, इसमें आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा, इसमें होता क्या है ये चीजें। अब हम देखते हैं कि इसमें किसका अब्सॉर्प्शन होता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें, सबसे पहले तो हम देखेंगे क्या, ग्लूकोज का अब्सॉर्प्शन। ग्लूकोज का अब्सॉर्प्शन एक्टिव, पैसिव तथा फैसिकुलेटेड तीनों के द्वारा ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है। ग्लूकोज इजीली भी एब्जॉर्ब हो सकता है बहुत, क्योंकि हमको करना है वहां से सारा का सारा ग्लूकोज, जितना भी हमने खाना खाया उससे सारा का सारा ग्लूकोज एब्जॉर्ब करना है। तो उसके लिए हमको क्या है, एक बार तो कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो है बैलेंस नहीं था, कम ज्यादा था, इसलिए एब्जॉर्ब हो गया। फिर हमको उसको एब्जॉर्ब करने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ी, कुछ जो ग्लूकोज होगा वो कहाँ से चला जाएगा, प्रोटीन पाथ के द्वारा भी आ जाएगा। ग्लूकोज के बाद में एमिनो एसिड जो होता है, एमिनो एसिड हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग लगभग 11 एमिनो एसिड का फॉर्मेशन हमारी बॉडी के अंदर ही होता है, बाकी 9 एमिनो एसिड क्या करते हैं हम बाहर से लेते हैं, ठीक है। कहाँ से लेते हैं, बाहर से लेते हैं। तो एमिनो एसिड का एब्जॉर्प्शन करना भी आवश्यक है, सारा का सारा एमिनो एसिड हम क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसीलिए एमिनो एसिड भी क्या होता है, एमिनो एसिड का एब्जॉर्प्शन भी तीनों मेथड से होता है। तो आपको याद रखना है ग्लूकोज और एमिनो एसिड तीनों मेथड के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं, ग्लूकोज और एमिनो एसिड तीनों मेथड के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं। इसके बाद में आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या जाएगा, सोडियम आयन। सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है। क्लोरीन आयन का एब्जॉर्प्शन पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। इसके अलावा क्या होता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, इसका एब्जॉर्प्शन भी पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है। ग्लूकोज एमिनो एसिड और फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में फैसिकुलेटेड डिफ्यूजन के द्वारा होता है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई बेटा, अगर इतनी चीजें क्लियर हुई हैं, आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी और अगर क्लियर हुई होंगी तो आपको अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बन जाएंगे, ठीक है। अगर आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी तो इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। अगर डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन की बात आएगी तो एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, विलाई और माइक्रोविलाई के द्वारा होता है। म्यूकोसा में एब्जॉर्ब होकर वो कहाँ चला जाता है, ब्लड वेसल्स में चला जाता है। इसके एब्जॉर्प्शन की तीन प्रोसेस है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा और वेसिकुलेटेड ट्रांसपोर्ट के द्वारा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। और इनमें किन पदार्थों का एब्जॉर्प्शन किस विधि द्वारा होता है ये भी हमने देखा है। इतने पदार्थ एब्जॉर्ब होते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में और इनके सभी के एब्जॉर्प्शन की जो मेथड है वो अलग अलग होती है, ठीक है। कैसी होती है, अलग अलग होती है। अब यहां पर याद रखना है आपको, जो फैटी एसिड होता है क्या है आपका, फैटी एसिड, इसको थोड़ा सा यहीं पर हम थोड़ा सा समझते हैं एब्जॉर्प्शन को। ठीक है, चलिए तो फैटी एसिड के एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं बेटा, है ना, हम फैटी एसिड के एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं हम। फैटी एसिड का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। फैटी एसिड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड का एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फैटी एसिड क्या करता है, फैटी एसिड क्या करता है, यह मिसेल बनाकर क्या होता है, म्यूकोशा में जाता है और
इसके बाद ब्लड में चला जाता है, ठीक है, ब्लड में चला जाता है। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन पता होना चाहिए कि फैटी एसिड बीच में क्या है, फैटी एसिड इस तरीके से क्या है, फैटी एसिड है, और चारों तरफ क्या है, बाइल सॉल्ट। क्या है? बाइल सॉल्ट। क्या होता है बेटा, फैटी एसिड कैसे होते हैं? वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, फैटी एसिड सॉल्युबल नहीं होते हैं। जब ये सॉल्युबल नहीं होते हैं तो ब्लड में इजीली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, ठीक है, और इजीली एब्जॉर्ब ना होने के कारण ये सहारा लेते हैं किसका, बाइल सॉल्ट का। बाइल सॉल्ट के द्वारा क्या करते हैं, बाइल सॉल्ट, बहुत सारे फैटी एसिड बाइल सॉल्ट से कवर हो जाते हैं और एक मिसेल का फॉर्मेशन करते हैं। बाइल सॉल्ट से कवर होकर एक मिसेल का फॉर्मेशन करते हैं और ये मिसेल क्या होता है, म्यूकोशा में चला जाता है, म्यूकोसा में चला जाता है। म्यूकोसा से फिर क्या होता है, वो आपके ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, मतलब एक चोरी छुपके वाला प्रोसेस फॉलो करता है आपका फैटी एसिड, ठीक है। तो मिसेल बनाकर फैटी एसिड क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन कर रहा है। क्लियर हुआ बेटा? क्या इतनी चीजें क्लियर हुई हैं? तो इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन हो रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन हो रहा था, वो आपका एक ही पेज में हमने कवर किया है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो आप नोट्स से भी क्या कर सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम किसकी, अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के बाद में हम पहुंचते हैं कहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन। कहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन, डाइजेशन सॉरी एब्जॉर्प्शन। किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा क्या, लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का इमेज देख लेते हैं हम, किस तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, कुछ इस तरीके का आपके सामने क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, और यहाँ पर पाया जाता है एक छोटी सी संरचना कुछ इस तरीके की, ठीक। चलिए, और जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से मिलती है, जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से मिलती है, वहाँ पर एक और संरचना पाई जाती है, ठीक है। ठीक है, दिख पा रहा है, ठीक है। अब इनका हम नामकरण संस्कार कर देते हैं। क्या कर रहे हैं हम? इनका नामकरण संस्कार, ठीक है बेटा। चलिए, अब सबसे पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए क्या, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है क्या कॉलोन, और दूसरा होता है क्या रेक्टम। कॉलोन और रेक्टम,
कॉलोन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। कॉलोन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। और रेक्टम में क्या होता है? वेस्ट स्टोर होता है। जो भी वेस्ट है, जो मल है आपका, वो स्टोर होता है कहाँ पर? रेक्टम के अंदर। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट आपको यहां तक दिखाई दे रहा है, ये कॉलोन है। क्या है बेटा? कॉलोन। ठीक है, चलिए, इसको बोला जाता है रेक्टम। क्या बोला जाता है? रेक्टम। रेक्टम या मलाशय। क्या बोला जाएगा? रेक्टम या मलाशय। ठीक है, ये वाला पार्ट है एनस या गुदा। ठीक है, ये क्या है? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। जो वेस्टिजियल ऑर्गन है, अवशेषी अंग है। क्या है? अवशेषी अंग है। ये क्या है? असेंडिंग कोलन। जो फूड को क्या कर रहा है? ऊपर की तरफ ले जा रहा है, उसको बोला जाता है क्या? असेंडिंग कोलन। ये क्या है? ट्रांसवर्स कोलन। ट्रांसवर्स कोलन, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन। और ये क्या है? डिसेंडिंग कोलोन। डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, जो फूड को क्या कर रहा है? नीचे की तरफ ला रहा है, उसको बोला जाता है क्या? डिसेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। इसके बाद में रेक्टम है, एनस है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बारे में याद रखना है, ये क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब क्या है? अवशेषी अंग। अवशेषी अंग। और पूछा जाता है इसका कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स किसका पार्ट है? तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बेटा पार्ट है किसका? एलिमेंट्री कैनाल का, आहार नाल का पार्ट है। ठीक है, चलिए, अब हम बात करते हैं इसमें एब्जॉर्प्शन की। तो एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? इसमें एब्जॉर्प्शन की बात करें तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड यहां पर आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड यहां पर आता है, तो ये वाला भाग कहलाता है सीकम। क्या कहलाता है? सीकम। एक सेकेंड, क्या कहलाता है? सीकम कहलाता है। क्या कहलाता है? सीकम। सीकम कहलाता है। सीकम में बेटा इसमें एक चीज याद रखना है आपको, और वो क्या है? सीकम में पाया जाता है इकोलाई बैक्टीरिया। क्या पाया जाता है? सीकम में पाया जाता है इकोलाई बैक्टीरिया। और ये इकोलाई बैक्टीरिया क्या करता है? इकोलाई बैक्टीरिया ये कैसा होता है? सहजीवी होता है, सिम्बायोटिक होता है। किसके साथ में? ह्यूमन के साथ में। सिम्बायोटिक, ह्यूमन के साथ में कैसा होता है? सिम्बायोटिक नेचर शो करता है। अब सिम्बायोटिक का मतलब क्या होगा? कि सिम्बायोटिक किसको बोला जाएगा? कि ये हमको भी फायदा देता है और हमसे भी फायदा लेता है। हमारे अंदर फूड लेता है, खाना लेता है, और हमको विटामिन के बनाकर देता है। ठीक है, तो ये इकोलाई बैक्टीरिया क्या करता है बेटा? इकोलाई बैक्टीरिया क्या करता है? यह डाइजेस्टेड फूड को खाता है। क्या करता है? डाइजेस्टेड फूड खाकर बदले में विटामिन के का फॉर्मेशन करता है।
फॉर्मेशन करता है। ये बात हो रही है इसके बारे में, इसे सीकम के बारे में। सीकम में पाया जाता है इकोलाई बैक्टीरिया, जो सिम्बायोटिक नेचर का होता है, या डाइजेस्टेड फूड, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो गया है फूड, जो एब्जॉर्ब हो गया है फूड, उसको खाता है और बदले में हमको विटामिन के का फॉर्मेशन करके देता है। यही विटामिन के क्या है, ब्लड क्लॉटिंग विटामिन है। इसी की वजह से क्या होता है, प्रोथ्रॉम्बिन का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, लीवर में होता है। स्टोर भी कहाँ होता है, लीवर में, हमने इसका बात किया था। विटामिन ए डी ई के कहाँ होते हैं, स्टोर होते हैं लीवर में, ठीक है। जब सीकम में क्या होता है, इकोलाई बैक्टीरिया द्वारा, सीकम में इकोलाई बैक्टीरिया द्वारा डाइजेशन हो चुका होता है फूड का, तो ये अब क्या होता है, आगे बढ़ता है। जब ये फूड आगे बढ़ेगा पेरिस्टलाइसिस मोशन के द्वारा, तो यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ये फूड धीरे 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 पेरिस्टलाइसिस मोशन के द्वारा आगे बढ़ते हुए चलता है, आगे बढ़ते हुए चलता है। और जब ये आगे बढ़ते हुए चलता है, तो इससे किसका एब्जॉर्प्शन होता है बेटा, इससे एब्जॉर्प्शन होगा किसका, वाटर का, हमने देखा। और किसका एब्जॉर्प्शन होगा, ड्रग का। और किसका एब्जॉर्प्शन होगा, मिनरल्स का। किसका, मिनरल्स का, ठीक है। तो ये इन तीनों का एब्जॉर्प्शन होता है किसके अंदर, इन तीनों का एब्जॉर्प्शन होता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। जब ये फूड पूरी तरीके से, फूड में से हमने इन वाटर, ड्रग और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कर चुका होता है, उसके बाद में वेस्ट मटेरियल जो होता है वो रेक्टम में आकर स्टोर हो जाता है, और रेक्टम से वेस्ट को हम एनस के माध्यम से बाहर निकाल लेते हैं। किसके माध्यम से, एनस के माध्यम से बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई हैं। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन बहुत इजीली हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ तीन पदार्थों का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर, ड्रग और मिनरल्स। अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो सबसे ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिलेगा लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? तो इस तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन जो होता है वो होता है कंप्लीट, ठीक। चलिए अब यहाँ पर हम लोग एक चीज और देख लेते हैं, क्या, कि जो पदार्थ हमने एब्जॉर्ब किए हैं, एब्जॉर्ब्ड पदार्थ में, एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट में एनर्जी, न्यूट्रिएंट जो होते हैं एब्जॉर्ब, उनमें कितनी कितनी एनर्जी होती है जो हम एनर्जी के लिए उपयोग करते हैं। अब कौन से पदार्थ हम उपयोग करते हैं, सबसे पहले क्या, कार्बोहाइड्रेट। हमारा फूड क्या है, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि हम इनको ले किस लिए रहे हैं, एनर्जी के लिए तो ले रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट में कितनी एनर्जी होती है, इसके बारे में बात करेंगे। प्रोटीन से हमको कितनी एनर्जी मिलती है, इसके बारे में बात करेंगे। फैट से हमको कितनी एनर्जी मिलती है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसीलिए तो बोला जाता है, कितने के ऊर्जा को किसमें मापते हैं, ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में, ठीक है। ऊर्जा को किसमें मापा जाता है, ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में। अगर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो एनर्जी को कैलोरी या जूल में मापा जाता है, में मापा जाता है। तो इसमें बात यह आती है कि किसी एक प्रोटीन मॉलिक्यूल के टूटने से हमको कितनी एनर्जी मिलेगी, किसी एक प्रोटीन के टूटने से कितनी एनर्जी मिलेगी कैलोरी या जूल में, और किसी एक फैट के टूटने से कितनी एनर्जी मिलेगी कैलोरी, या फिर बात हो रही है किसकी, जूल की, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं, सबसे पहले बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की। बेटा तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से हमको 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन से हमको कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और फैट से 9.45 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। 9.45 किलो कैलोरी ऊर्जा लगभग प्राप्त होती है। तो इतनी ऊर्जा, इसलिए तो बोला जाता है बहुत ज्यादा ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उतना कैलोरी हम बर्न नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारी बॉडी में क्या होने लगता है, फैट जमा होने लगता है, ठीक है। सबसे कम हमको कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, इसके बाद प्रोटीन से मिलता है, ठीक। चलिए तो ये चीज भी आपकी कॉपी में आपको नोट करते हुए चलना है, ठीक है। चलिए ठीक है,
इस तरीके से मेरा डाइजेशन की जो प्रोसेस थी वो तो कंप्लीट होती है। डाइजेशन पढ़ लिया हमने, अब्जॉर्प्शन पढ़ लिया। हाँ एक चीज और, इसके बाद में क्या है, मल त्याग देख लिया कि मल त्याग कैसे होता है, लेकिन एक चीज है इसमें क्या, एसिमिलेशन। क्या थी? एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन क्या होता है बेटा, जब ब्लड वेसल्स में ब्लड चला जाएगा, ब्लड वेसल्स से ब्लड का सेल या टिश्यू तक जाना, टिश्यू तक जाना क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। इसकी डेफिनेशन हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, यहाँ पर भी देख लेते हैं। अब जब एब्जॉर्ब हो गया फूड तो कहाँ चला जाएगा, सेल या टिश्यूज तक चला जाएगा, और बाकी वेस्ट मटेरियल को रेक्टम में उपस्थित जो वेस्ट मटेरियल है उसको एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। और इसको, ये जो मल होता है, ये जो आपका मल होता है, सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, या जिसको आप बोलते हैं मल, मल ठीक है, फिकल, उसको चिपचिपा, गाढ़ा व चिपचिपा म्यूकस मिलाकर बनाया जाता है, म्यूकस मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है, म्यूकस मिलाकर बनाया जाता है। इसमें म्यूकस मिलते जाता है, म्यूकस मिलते जाता है, म्यूकस जब इसमें मिल जाता है तो फूड जो मल कैसा होता है, गाढ़ा और चिपचिपा हो जाता है। ठीक है बेटा, चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आया होगा और आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे बेटा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने पढ़ाने की कोशिश किया है आपको। और जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें थी उनको मैंने पढ़ाया है, एनसीईआरटी बेस ही सारी चीज़ें पढ़े हैं, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस क्या करना है आपको इसके बदले में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ लाइक शेयर और कमेंट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है बेटा, जिससे क्या हो सके हमको भी मोटिवेशन मिले, है ना। ठीक है, ऐसे तो हम कुछ मांगेंगे नहीं, फ्री में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बस इतना है कि आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी डिसीज जो होती है, डिसऑर्डर्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट सिस्टम। ठीक है, चलिए, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।